गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विशेष फिजिक्स क्लासेज। आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टिकल फिजिक्स में। जो अपन ने देखा था कि पार्टिकल फिजिक्स के लिए यूजफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कंजर्वेटिव लॉ, कंजर्वेशन लॉ या कंजर्वेटिव लॉ। कोई भी पार्टिकल फिजिक्स के बेस पे कोई रिएक्शन अपन को गिवन होती है और उसमें अपन को चेक करना होता है कि कौन से कंजर्वेशन लॉ वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। तो अपन ने देखा था कि जो कंजर्वेशन लॉ थे वो टू टाइप्स में थे, एक तो था एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ और एक थे अपने पास अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ की बात करते हैं तो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ में अपन ने देखा था कि ऐसे लॉ या ऐसे अप्लाइड लॉ जो सभी टाइप्स के इंट्रैक्शन में अप्लाई होते हैं, यानी ग्रेविटेशनल में भी होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग में भी होते हैं और वीक में भी होते हैं। तो सभी इंट्रैक्शन में जो अप्लाई होंगे वो क्या लाएंगे अपने पास, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ। अब एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ में अपन वन बाय वन कंजर्वेटिव लॉ पर स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ के बारे में। तो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ की डेफिनेशन अपन को पता है कि एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है। एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ बताता है कि अपने पास सभी इंट्रैक्शन में, यानी ऑल इंट्रैक्शन में क्या होंगे अपने पास, अप्लाई होंगे। ऑल इंट्रैक्शन में क्या होगा अपने पास, अप्लाई होंगे। तो उसमें फर्स्ट वन बाय वन डिस्कस करते हैं अपन कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। तो फर्स्ट देखते हैं अपन कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। तो देखते हैं फर्स्ट अपने पास है कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इसमें होता क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम में ये होता है कि अपने पास कोई रिएक्शन है, एज्यूम कर लिया मैंने कि यहाँ पे कोई रिएक्शन है जो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है अपने पास सी प्लस डी, ऐसी कोई रिएक्शन दिखी बने। इस रिएक्शन में जो बिफोर इंट्रैक्शन और आफ्टर इंट्रैक्शन, अब मैं कहता हूँ कि बिफोर इंट्रैक्शन और आफ्टर इंट्रैक्शन अपने पास क्या होगा, जो अपने पास मास एनर्जी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू रूल बिफोर एनी इंट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल। तो कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल का बिफोर इंट्रैक्शन होता है, यानी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद यदि मास एनर्जी है वो इक्वल रहती है, इट मीन्स क्या होगा यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे अपन कुछ एग्जाम्पल लेके भी डिस्कस करेंगे कि यदि मैंने ले लिया कि अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक रिएक्शन बेस्ड एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल है अपने पास एक मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉन, एक ले लिया मैंने पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक पॉजिट्रॉन ले लिया। यदि मुझे पता है कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इन रिलेशन, पेयर इन रिलेशन की अपने पास रिएक्शन है, तो यहाँ से अपने पास क्या निकलते हैं, दो फोटोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, दो फोटोन। अब मुझे पता है कि जो भी मैं एनर्जी लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, जो भी मैं एनर्जी लिखता हूँ वो एनर्जी क्या लिखता हूँ अपने पास, रेस्ट मास एनर्जी लिखनी है तो वो लिखता हूँ ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की टर्म में। क्या लिखता हूँ मैं, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की टर्म में इसकी एनर्जी लिखता हूँ। तो यदि मैं बात करूँ कि अपने पास एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी मानी गई है रेस्ट मास के लिए, तो रेस्ट मास के लिए जो एनर्जी मानी गई है वो मानी गई है 0.511 MeV। यानी अपने पास यदि मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उसकी जो एनर्जी है 0.511 MeV, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन। यदि आप इसको निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, एम का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻³⁻³ होता है, क्या होता है अपने पास 9.1 × 10⁻³⁻ और यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और ये किस में निकल रहा है अपने पास, एम ई वी में। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये पूरी टर्म यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह मैं क्या रखूँगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब रखूँगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी, रेस्ट मास की एनर्जी आएगी जो कि आएगा 0.5111 MeV आएगा। अब यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास इसकी एनर्जी है वो भी क्या है 0.511 है, इसकी भी एनर्जी क्या होगी 0.511 MeV होगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसके ये टोटल एनर्जी कितनी होती है, तो ये टोटल एनर्जी अपने पास होती है कितनी, यदि मैं ऐसे कह दूँ कि 0.511 और 0.511, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 MeC² लिख सकता हूँ 2 MeC², तो इसके इक्वल जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कितनी होगी अपने पास, 0.511 को क्या करोगे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, उसकी एनर्जी आ जाएगी। अब वो एनर्जी निकलती है या नहीं निकलती वो अपन को देखना है, तो डिस्कस करते हैं कि वो एनर्जी निकलती है। तो देखो वो एनर्जी कैसे निकलती है, तो वो मैं बात करता हूँ। यदि अपन पहले तो ये देखते हैं कि 0.511 है,
तो इससे जो टोटल एनर्जी निकलती है वो कितनी निकलती है, 1.022, यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, 1.022 आएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जब ये फोटोन यहाँ पे क्या करते हैं अपने पास, मुझे बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर क्या करते हैं, कुछ एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, क्या होते हैं ये एक तरीके से क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्वांटा है, इसका मतलब ये अपने पास क्या मिलेगी, कुछ फोटोन की फॉर्म में क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जब ये एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं तो इसकी जो एनर्जी होती है यानी आफ्टर बिफोर द इंट्रैक्शन इसकी जो एनर्जी है वो क्या थी अपने पास, 2mec2। और जब ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो ये इक्वल इसके इक्वल ही एनर्जी को क्या करेगा अपने पास, इमिट करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसके इक्वल ही एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है, ठीक है। एक एग्जांपल तो अपन ये ले लिया, एक अपन एग्जांपल लेते हैं बीटा डीके का, एक एग्जांपल कौन सा लेते हैं अपन, बीटा डीके का। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि बीटा डीके का एग्जांपल में क्या होता है, बीटा डीके का एग्जांपल है तो उसमें पता है कि या तो बीटा माइनस डीके होगा या क्या होगा अपने पास, बीटा प्लस डीके होगा। तो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ कि अपने पास कोई न्यूट्रॉन है, यहाँ पे मैंने ले लिया कि कोई न्यूट्रॉन है, क्या है अपने पास, कोई न्यूट्रॉन है जो किस में कन्वर्ट हो रहा है अपने पास, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, एक प्रोटॉन हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन है मेरे पास कि मुझे पता है कि यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, यदि 0n1, देखो न्यूट्रॉन को मैं लिख सकता हूँ क्या 0n1, प्रोटॉन को मैं लिख सकता हूँ 1p1। तो कैसे पता लगेगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है पॉजिट्रॉन निकल रहा है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या निकलेगा अपने पास, -1e0 आएगा, क्या आएगा, जब ये 1-1 0 हो जाएगा और 1010 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या निकलता है अपने पास, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंटी न्यूट्रिनो हो जाएगा, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का पार्ट है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि इसका जो मास एनर्जी कंजर्वेशन होता है वो कैसे होता है, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, यदि न्यूट्रॉन है तो देखो सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि इसकी रेस्ट मास एनर्जी सारों की क्या होती है। तो देखो जो mnc2 है उसकी जो एनर्जी होती है, यहाँ पे मैं एनर्जी लिख लेता हूँ एक बार, mn जो c2 है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 939। ये सारी वैल्यू आप याद भी रख सकते हो और निकाल भी सकते हो, 939565 mev क्या होती है, 939565 mev। mpc2 यदि मास प्रोटॉन की बात करते हैं तो ये होती है 938.272 mev, कितनी होती है 272 mev। यदि मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो mec2 मुझे पता है कि अभी अपन ने लिया है कितना, 0.511 mev। तो ये सारी एनर्जी होती है, तो मुझे पता है कि इसकी यदि मैं रेस्ट मास एनर्जी लिखता हूँ तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, mnc2 इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, mnmp प्लस me प्लस का क्या आ जाएगा, m एंटी न्यूट्रिनो आ जाएगा और यहाँ पे जो c2 है वो क्या आ जाएगा, तीनों में कॉमन आ जाएगा। अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो ये एंटी न्यूट्रिनो है इसका मास भी 0 होता है और चार्ज भी 0 होता है, तो ये तो क्या अपने पास न्यूट्रिनो का मास 0 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, mnc2 इज इक्वल टू mp प्लस का me और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास, c2 आ जाएगा। अब यदि मैं ये सारी वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि मुझे क्या निकालना है इसका कि टोटल एनर्जी निकालनी है, तो मुझे ये देखना है कि इसमें एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है कैसे, मास एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे हो रहा है। तो अपन देखते हैं कि इसमें मास एनर्जी के लिए अपन क्या निकालते हैं, इसकी वैल्यू के बेस पे क्या निकालेंगे अपन, इसकी रिएक्शन के बेस पे वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं अपन क्या कि अपने पास देखो mnc2 की वैल्यू कितनी है, तो वो है 939.565 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, अपने पास मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 938.272 प्लस हो जाएगा अपने पास इलेक्ट्रॉन का 0.511 क्या हो जाएगा, mev। तो ये पूरा का पूरे सारी यूनिट किस में है, ये mev में, दोनों साइड mev है, तो mev से mev तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी किस में है अपने पास, mev में है, तो ये तो क्या हो जाएगा, mev कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास जो इसकी वैल्यू रहेगी, तो मुझे पता है कि रिएक्शन से बिफोर द रिएक्शन, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि बिफोर द रिएक्शन या बिफोर द इंट्रैक्शन, बिफोर इंट्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, या बिफोर इंट्रैक्शन माइनस क्या होगा अपने पास, आफ्टर इंट्रैक्शन, क्या होगा अपने पास, आफ्टर इंट्रैक्शन, यानी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो इसकी एनर्जी आएगी वो क्या आएगी। तो इसको मैं क्या करूँगा, 939 में से ही है, क्या करूँगा इसको मैं 939.565 माइनस क्या कर लूँगा अपने पास 938.272 माइनस क्या हो जाएगा अपने पास 0.511।
और ये जो भी रिजल्ट आएगा सारा का सारा किस में होगा, अपने पास MeV में होगा। तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन क्या आएगा अपने पास, 0.782 MeV। यानी जब अपने पास यदि बीटा डीके होता है, यानी कोई न्यूट्रॉन है, कोई न्यूट्रॉन यदि प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है, और जब भी एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल इमिट होगा तो इसके साथ कुछ ना कुछ एनर्जी भी इमिट होती है, तो वो एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, 0.782 MeV होती है। और 0.782 MeV अपन को कैसे दिखेगा कि ये एनर्जी इमिट हो रही है, तो ये जो एनर्जी है ये क्या होती है अपने पास, जो ये पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, यदि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन यदि प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके साथ जो भी एनर्जी इमिट होगी, तो एनर्जी इमिट होगी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो जो ये पार्टिकल को इमिट करता है, तो जब ये पार्टिकल को इमिट करेगा तो पार्टिकल के साथ कुछ एनर्जी निकलेगी, वही एनर्जी कितनी होगी अपने पास, 0.782 MeV होगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि इन जो पार्टिकल का डीके करेगा उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी अपने पास, 0.782। तो ये तो था अपने पास कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। तो इसमें था कि अपने पास कोई भी रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में बिफोर द इंट्रैक्शन आफ्टर द इंट्रैक्शन जो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण है या मास एनर्जी है वो क्या रहती है अपने पास, इक्वल रहती है। यदि इसकी मास एनर्जी इक्वल है तो मैं यहाँ पे ये दो एग्जांपल, ये एक तो लिया पेयर इनहेलेशन का और दूसरा लिया मैंने बीटा डीके का। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो, ये वाली वैल्यू आप यदि याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप वैल्यू निकाल भी सकते हो, क्योंकि मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन आपको याद है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी में याद है, तो आप एमवीवी में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तो सारी चीज़ें हुई अपने किस में, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी में। तो इसमें याद क्या रखना है कि कोई भी बिफोर द इंट्रैक्शन आफ्टर द इंट्रैक्शन मास एनर्जी है वो इक्वल रहती है। तो यहाँ पे कुछ यदि डिफरेंस आता है, अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने ये जो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कोई एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, वो एनर्जी डिफरेंस कितना है, 0.782 है। तो ये 0.782 है वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि बिफोर द एनर्जी आफ्टर द एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कुछ एनर्जी का जो मास इफेक्ट था वो क्या अलग से इमिट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या रहेगा अपने पास, बीटा डीके होगा। और यहाँ पे क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी को अप्लाई करेंगे। तो यदि कोई भी, वैसे इसको अपन काम में तो नहीं लेंगे, अपन जो भी इंट्रैक्शन चेक करने के विच टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इन रिएक्शन, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ऐसे में ये वाले सारे लो अपने पास काम नहीं आएंगे, अपने पास जो भी लो काम आएगा वो कौन से आएंगे वो मैं भी आगे बताऊंगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी कोई पर्टिकुलर एक केस लेके पूछ ले कि इसमें चेक कीजिए कि कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी है या नहीं है, तो यदि कोई रिएक्शन पॉसिबल है, क्या है अपने पास, यदि कोई रिएक्शन पॉसिबल है, तो रिएक्शन पॉसिबल है इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, मास एनर्जी होगी होगी। क्यों, क्योंकि ये किस में आता है, ये कौन सा लो अपने पास, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लो है, और एग्जैक्ट कंजर्वेशन लो किस में आता है अपने पास, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लो आता है ऑल इंट्रैक्शन में। तो ऑल इंट्रैक्शन में यदि कोई रिएक्शन पॉसिबल है इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी तो होगी ही होगी। तो ये तो अपन ने बात की किसकी, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी की। आप इसको नोट्स के फॉर्म में भी लिखते रहना, चाहे डिग्री लेवल का हो चाहे कॉम्पिटेटिव लेवल का हो, दोनों में काम आएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं सेकेंड की, सेकेंड है अपने पास कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये तो अपन ने बात की है किसकी, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी की। अब अपन बात करते हैं किसकी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है ये अपन को देखना है। यदि मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो प्रोसेस वो ही रहेगा अकॉर्डिंग टू रूल, क्या बोलता है कि बिफोर इंट्रैक्शन, क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू रूल, बिफोर एनी इंट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल एंड आफ्टर द इंट्रैक्शन इन एनी एलिमेंट्री पार्टिकल लीनियर मोमेंटम रिमेंस द सेम। यानी दोनों साइड में बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन जो अपना लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब मुझे पता है कि पहले तो मैं आपको लीनियर मोमेंटम बता दूं क्या होता है। तो जब भी कोई पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका लीनियर मोमेंटम अपन किससे निकालते हैं, P=mv से निकालते हैं। सभी को पता होगा कि इसका लीनियर मोमेंटम ऐसे निकाला जाता है। अब मैं कहता हूँ कि यदि कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है, क्या है अपने पास, कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है, तो वहाँ मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई रिएक्शन पॉसिबल है तो उस पर कंजर्वेशन, क्योंकि ये भी किस में आता है अपने पास, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लो में आएगा, और एग्जैक्ट कंजर्वेशन लो में आएगा इसका मतलब क्या होगा, इसमें भी ये सारे लो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल है आपके पास पाई नॉट एक पायंस का पार्टिकल है, आपने पार्टिकल सारे याद कर लिए होंगे, जो ये कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट होता है, तो फोटोन में कन्वर्ट होता है। जैसे मेरे पास ये वाली रिएक्शन है, क्या है अपने पास, ये वाली रिएक्शन है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो पाई नॉट था वो पाई नॉट कैसा था अपने पास, रेस्ट में था,
क्या था, पाई नॉट रेस्ट में था। अब मैं कह सकता हूँ कि ये रेस्ट में है, इसका मतलब इसका लीनियर मोमेंटम तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बिफोर रिएक्शन। बिफोर रिएक्शन इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ इसमें जब ये पाई नॉट है वो दो फोटोन में कन्वर्ट हो रहा है। अब फोटोन में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब ये रूल्स क्या कह रहा है कि बिफोर द इंट्रैक्शन एंड आफ्टर द इंट्रैक्शन लीनियर मोमेंटम इज सेम। तो लीनियर मोमेंटम सेम कब होगा, जब इसका भी लीनियर मोमेंटम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसका भी लीनियर मोमेंटम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बट यहाँ पे जब दो फोटोन निकल जाए इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी निकल रही है क्वांटा के बेस पे, और ये क्वांटा किसका है आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंट्रैक्शन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन का जो क्वांटा है वो क्या अपने पास फोटोन है। तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो ये दो फोटोन है वो एक एनर्जी की फॉर्म में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जो पाई नॉट रेस्ट में था इसका लीनियर मोमेंटम जीरो, तो इसका भी जीरो होना चाहिए। तो ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से क्या करेंगे, क्वांटा के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। तो इसका लीनियर मोमेंटम जीरो कब होगा, जब ये क्या होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब ये फोटोन इमिट हो रहे हैं, ये फोटोन क्या हो रहे हैं अपने पास इमिट हो रहे हैं। जब ये फोटोन इमिट हो रहे हैं तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो दोनों एक दूसरे से क्या होगी, ऑपोजिट होगी। यदि मैंने कह दिया कि एक फोटोन आपका ऐसे जा रहा है तो दूसरा फोटोन कैसे जाएगा आपका, ऐसे जाएगा। या फिर मैं कह सकता हूँ कि इसका ऐसे भी जा सकता है, एक फोटोन ऐसे जा रहा है तो दूसरा फोटोन ऐसे जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि फोटोन की जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी इच टू अदर। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा अपने पास, डायरेक्शन ऑफ फोटोन डायरेक्शन ऑफ फोटोन अपोजिट टू इच अदर क्या हो जाएगी, अपोजिट टू इच अदर। यानी एक फोटोन दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक फोटोन यदि ऐसे जा रहा है तो दूसरा फोटोन माइनस एक्स में जाएगा, यदि एक फोटोन यदि वाई में जा रहा है तो दूसरा फोटोन कहाँ जाएगा, माइनस वाई में जाएगा। और जब भी मैं इसका लीनियर मोमेंटम निकालूंगा तो मुझे पता है कि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो जब भी ये डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी तो ये एक लीनियर मोमेंटम पॉजिटिव में होगा तो दूसरा लीनियर मोमेंटम नेगेटिव में होगा, उसकी वजह से इसका लीनियर मोमेंटम ये क्या मिलेगा अपन को, जीरो मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद भी अपना लीनियर मोमेंटम क्या था, जीरो था। तो इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं किसकी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे लीनियर मोमेंटम होता है लीनियर वेलोसिटी के लिए या कोई भी पार्टिकल रिएक्ट करता है तो उसमें लीनियर मोमेंटम आएगा, ऐसे ही कोई पार्टिकल यदि रोटेशनल की फॉर्म में आता है तो वहाँ पर क्या आता है अपना, एंगुलर मोमेंटम आता है। तो ये तो बात की अपन ने लीनियर मोमेंटम की, और लीनियर मोमेंटम भी अपने पास कैसा लॉ, अपने पास एग्जैक्ट लॉ है, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ है। मतलब ये भी ऑल इंट्रैक्शन में क्या होगा, अप्लाई होगा, जितनी भी टाइप की रिएक्शन आएगी सभी में ये क्या होगा, अप्लाई होगा। तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। फिर अपन को बात करनी है क्या, कंजर्वेशन लॉ थर्ड है अपना, वो है अपने पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये देखना है। तो बात करते हैं अपन एंगुलर मोमेंटम की। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें देखो अपने पास क्या क्या देखना है। जब एंगुलर मोमेंटम को मैं डिस्कस करूँगा, क्या करूँगा अपन, एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आएगा अपने पास कि एंगुलर मोमेंटम कहाँ पर अप्लाई होता है, रोटेशनल केस में अप्लाई होता है, जिसको अपन मैं क्या बोलता हूँ, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, इसको हिंदी में बोला जाता है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, ऊपर वाले को बोला जाता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो ये है अपने पास एंगुलर मोमेंटम है अपने पास कौन सा, कंजर्वेटिव लॉ। तो कंजर्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा अपने पास, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि अपने पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो क्या बताएगा, उसके बारे में क्या स्टडी करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, यदि मैं कोणीय एंगुलर मोमेंटम की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे भी सेम वही रूल अप्लाई होगा कि बिफोर द एनी इंट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल एंड आफ्टर द इंट्रैक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिमेंस द सेम। तो बिफोर द इंट्रैक्शन और आफ्टर द इंट्रैक्शन इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये कैसे इक्वल होगा, तो मुझे पता है कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, जैसे मैं लिखता हूँ कि कोई भी टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखता हूँ, जे इज इक्वल टू एल प्लस एस।
तो लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एल तो क्या बताएगा, अपना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताएगा, और एस क्या बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम बताएगा। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, जे इज इक्वल टू एल प्लस एस के। तो ये चीज़ भी अपन को ध्यान में रखनी है। फिर अपन को देखना है इसमें कि एंगुलर मोमेंटम में क्या क्या एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अपने पास यदि बात करेंगे किसकी, स्पिन की, किसकी बात करेंगे अपन, स्पिन की। तो इसमें क्या आ जाएगा अपने पास, यदि अपने पास बीटा डीके होता है, क्या होता है अपने पास, बीटा डीके, बीटा डीके का ही अपन एग्जांपल लेके इसको देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा। तो बीटा डीके में बात करते हैं, एक मैंने ले लिया कि न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के साथ क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, और जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो मुझे पता है कि साथ में क्या निकल रहा है अपने पास, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। कैसे पता लगेगा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो देखो 0n1 और यहाँ पे क्या है 1p1, तो न्यूट्रॉन बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिएगा, -1e0, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना, न्यूट्रॉन आएगा। अब यदि मैं इसमें स्पिन की बात करूँ कि इसकी स्पिन क्या होगी, तो इसकी स्पिन देखते हैं, तो देखो न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन की स्पिन क्या हो जाएगी अपने पास, 1/2, मुझे पता है कि इसकी स्पिन क्या होती है, 1/2 होती है। प्लस इसकी यदि मैं स्पिन की बात करूँ तो प्रोटॉन की भी स्पिन क्या हो जाएगी अपने पास, 1/2 हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात करूँ तो ये भी क्या हो जाएगी अपने पास, 1/2। अब देखो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है कि अपने पास बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन इसकी वैल्यू इक्वल होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर तो वैल्यू क्या है अपने पास, 1/2 है, और इधर वैल्यू क्या है, 1 है। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है इसका मतलब यहाँ पे क्या था अपने पास कि ये वाली जो रिएक्शन है वो भी अपनी पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वहाँ पे क्या गया, बीटा डीके के बेस पे या बीटा डीके पे पाउली हाइपोथेसिस के बेस पे एक रिएक्शन में चेंज किया गया। और उस चेंजिंग में क्या बताया गया कि जब भी कोई न्यूट्रॉन होता है, ये मान लिया कि कोई न्यूट्रॉन था, वो यदि प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो इसके साथ क्या आता है, इलेक्ट्रॉन आता है। इलेक्ट्रॉन के साथ अपने पास क्या निकलता है, एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। अब यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन की स्पिन कितनी, वही 1/2 हो जाएगी। प्रोटॉन की स्पिन कितनी, 1/2 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी, 1/2 हो जाएगी। और यहाँ पे जो न्यूट्रिनो आया है उसकी भी स्पिन कितनी होती है, 1/2, बट यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो है तो उसकी स्पिन अपन क्या लेंगे, -1/2। तो यहाँ से ये एक वैल्यू से एक वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1/2 = 1/2। तो इसलिए कहा जाता है कि ये वाली जो रिएक्शन है न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में करने की, वो तो आपके पास गलत है क्योंकि इसमें टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर का कंजर्वेशन नहीं हो रहा, बट ये वाली रिएक्शन जो है वो एग्जैक्ट सही है। तो इसीलिए बताते हैं कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ऐसे यदि मैं कहता हूँ कि प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे क्या निकलता है, पॉजिट्रॉन निकलता है, और साथ में क्या निकलता है, न्यूट्रिनो निकलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे प्रोटॉन का है तो 0 1p1, तो ये 1p1 हो जाएगा। न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा, 0n1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1e0, और साथ में क्या आ जाएगा, न्यूट्रिनो आ जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है इससे पता लगता है कि अपने पास कोई भी रिएक्शन आएगी वो रिएक्शन यदि पॉसिबल है, क्या है वो रिएक्शन यदि पॉसिबल है तो इसका मीनिंग क्या होगा, वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। ये भी अपने पास कैसा लो है, अपने पास एग्जैक्ट कंजर्वेशन लो है, यानी ऑल इंट्रैक्शन में ये भी क्या होगा अपने पास अप्लाई होगा। तो ये सारी चीज़ें अपन को देखनी है। तो यहाँ पे मैं देख रख सकता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, इक्वल हो गई बिफोर द इंट्रैक्शन, आफ्टर द इंट्रैक्शन। इस रिएक्शन में तो इक्वल नहीं था, बट इस रिएक्शन में क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि ऑल इंट्रैक्शन में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो इसी टाइप से अपन ने 3 इंट्रैक्शन पढ़े, एक तो पढ़ा अपन ने मास एनर्जी, एक पढ़ा अपन ने लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और एक पढ़ा अपन ने एंगुलर मोमेंटम, एक पढ़ा अपन ने एंगुलर मोमेंटम। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद पता लगता है कि ये क्या होते हैं, तीनों के तीनों लोग कैसे थे अपने पास, एग्जैक्ट थे। कैसे थे अपने पास, एग्जैक्ट लो थे, ठीक है। तो ये जहाँ यदि कोई रिएक्शन लिखी है तो इसका मतलब वहाँ पर ये 100% तीनों लो अप्लाई होगा। तो ये थे अपने पास एग्जैक्ट कंजर्वेशन लो के 3 लो पढ़े हैं, तो 1 by 1 अपन देखेंगे। तो 3 लो तो पढ़ लिए, उसके बाद अपन आएंगे इसके चार्ज पे। तो उसकी प्रॉपर्टी जिसमें चार्ज लेप्टोनिक, इलेक्ट्रॉनिक, बेरियोनिक, उसके टाइप में बात करेंगे। यदि आपको डिग्री में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो बस इतना सा याद रखना है, ज़्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं, कैसे निकाला जाता है किसी भी रिएक्शन से, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।